तुम ब्याह करी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। 11 अगस्त को रिलीज हो रही आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी गर्म माहौल है। एक तरफ नफरती चिंटू फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिल्म देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक उमेर संधू ने इंस्टाग्राम पर लाल सिंह चड्ढा फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए इसे मास्टरपीस बताया है। एक अद्भुत फिल्म जो सीधे आपके दिल में उतरती है, मूवी खत्म होने के बाद भी आपकी यादों में बसी रहेगी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, एक शानदार फिल्म जो आपका हिंदी सिनेमा में भरोसा वापस लेकर आएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल सिंह चड्ढा लंबे वक्त बाद आई एक दमदार फिल्म है। आने वाले वक्त में ये फिल्म क्लासिक मूवी के तौर पर याद की जाएगी। उमेर संधू ने आगे लिखा है, ये सबसे मुश्किल किरदारों में से एक है जिसे आमिर खान ने उम्दा तरीके से निभाया है। पूरी फिल्म में आमिर छा गए। करीना ने भी हमेशा की तरह शो अपने नाम कर लिया। नागा चैतन्य और मोना सिंह का काम भी बहुत अच्छा है। ये मूवी ड्रामा इमोशंस का मिक्स है असाधारण रूप से। इन सब के ऊपर सोने पे सुहागा है आमिर खान का जबरदस्त एक्ट। उमेर संधू ने फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी ली। उन्होंने आमिर करीना की मूवी को 4 स्टार दिए हैं। एक्टर के बीते लंबे वक्त से आमिर खान और फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि फिल्म को अनऑफिशियली बैन किया गया है। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, फिल्म लाल सिंह चड्ढा को यूपी एमपी हरियाणा आदि में अनऑफिशियली बैन किया गया है। एग्जीबिटर्स शो चलाने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गंप का इंडियन अडेप्शन है। लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागा चैतन्य भी हैं। लाल सिंह चड्ढा को देश में 100 स्थानों पर शूट किया गया है। वहीं आमिर खान ने फिल्म से जुड़ी बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने इस फिल्म को अपने 12 से 14 साल दिए हैं। अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। We'll be right back.